हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो वेब सिक्योरिटी एप्लीकेशंस थी हमारे पास, उसका जो फर्स्ट सेशन था उसको हम लोग कवर कर चुके थे। और उसके बाद जो आज हमारे पास सेकंड सेशन है, उसको हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका नाम है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। अब इस नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के अंदर बच्चे क्या होगा, आपको कुछ नेटवर्किंग के बेसिक्स हैं जिनको आपको यहां पर जानना होगा, और उनके साथ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अब बच्चे आप लोग देखना, नेटवर्किंग जहां पर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है, या फिर सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। जैसे अब पूरा कंप्यूटर है, वो बिना स्क्रीन के कंप्यूटर नहीं बन सकता, बिना सीपीयू के कंप्यूटर नहीं बन सकता, बिना कीबोर्ड के सिस्टम नहीं बन सकता, वो बिना माउस के। काफी सारी चीजें हैं जो आपस में मिलके वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं भाई, ठीक है। तो कहता है कि नेटवर्क क्या होता है, ये कहता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर होता है, या फिर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। भाई जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है ना, उन सब के कलेक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क कह देते हैं, जब वो आपस में जुड़े हुए हों, ठीक है। जिस कंडीशन में वो आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, वहां पर हम लोग कह देते हैं, उनको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, या फिर कम्युनिकेशन चैनल, कि किसी कम्युनिकेशन चैनल के हेल्प से जुड़े हुए हों, वो या तो वायर की हेल्प से जुड़े हुए हों, सैटेलाइट की हेल्प से जुड़े हुए हों, कोई केबल है जिसकी हेल्प से वो एक दूसरे के साथ डेटा या रिसोर्स को शेयर करते हों। उसके बाद कहता है बच्चे, अब नेटवर्क होते हैं जो हमारे पास, नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो कई प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है पीयर टू पीयर, जिसको हम लोग कहते हैं पी टू पी आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन भाई, ठीक है। अब पीयर का मतलब, जैसे पीयर का मतलब होता है एक यूजर। नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क, जहां पर सबका स्टेटस इक्वल हो। स्टेटस का मतलब क्या है, सारे एक जैसे सिस्टम हो, ठीक है, वो मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम्स ना हो के एक जैसे सिस्टम हो, तो कहता है कि उसको हम लोग कहते हैं पीयर टू पीयर। जनरली इन सच ए नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज इक्वली कॉम्पोनेंट्स ऑफ सीपीयू, के जितने भी इक्वल कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, स्टेटस सबका इक्वल होता है, तो उसको कहा जाता है पीयर टू पीयर। दूसरा होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मतलब नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स। जैसे क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या, कि एक तो है, अब सर्वर जो क्या होता है, वो सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है, क्लाइंट क्या होता है, वो भी कंप्यूटर होता है। एक कंप्यूटर के पास कुछ अलग फंक्शनैलिटी हो, वो अलग काम करता हो, बाकियों को सर्विस प्रोवाइड करता हो। जैसे कोई हमारे पास एक सर्वर है, वहां पर डेटा सेव होता रहता है और बाकी कंप्यूटर उसके साथ डेटा शेयर करते रहते हैं और डेटा को एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब अलग अलग टाइप के नेटवर्क कौन कौन से हैं, आप लोग इनके बारे में बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं बच्चे। जैसे हमारे पास सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग कह देते हैं लैन। ये आपके एक स्कूल में, एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है। मैक्सिमम रेंज इसकी 10 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज होती है, ठीक है। पर हो गया क्या इसके अंदर भाई, इसके अंदर मैक्सिमम 50 सिस्टम आपस में जुड़ सकते हैं, 50 या 50 के अप्रॉक्स के सिस्टम इसके इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब एक ऐसा एरिया जो वाइड खुला हुआ हो, बहुत बड़ा हो, ठीक है। मेनली कहा जाता है इसके अंदर एक मोहल्ला या फिर एक सिटी, छोटी सिटी, ठीक है, वहां पर वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर 1000 या मेनली 50 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी, जो कंप्यूटर इसके अंदर जोड़े जा सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास भाई एक लैन भी आता है, जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और एक मैन भी आता है जिसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह देते हैं, ठीक है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क था जिसको हम लोग वैन कहते हैं, लैन, वैन और मैन, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट बताया गया आपके लिए, इंटरनेट यही होता है बच्चे जिसको हम लोग कह देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भाई मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कह देते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर क्या होता है बच्चे, आपके सिस्टम्स ग्लोबली ऐड किए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट्स, अब वो कहीं पर भी हो, धरती के किसी कोने में भी हो,
हवा में हो, जमीन पे हो, समंदर के अंदर हो, कहीं पर भी हो, समंदर के अंदर भी होते हैं बच्चे, पनडुब्बी के अंदर, सबमरीन्स के अंदर, शिप्स के अंदर, एयरप्लेन के अंदर नेटवर्क होते हैं वहां पर, ठीक है। तो कहीं पर भी हो, आपस में इंटरकनेक्टेड हो थ्रू एनी मीडियम, सैटेलाइट से हो या फिर केबल की हेल्प से हो, किसी प्रकार से भी हो, ठीक है। अब आता आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है भाई, ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसको हम लोग W3B भी कहते हैं, या W3B भी भाई कॉमनली नोन एज द वेब। W3 का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, तीन W यहाँ पर, WWW। आप लोग बहुत बार इस्तेमाल कर चुके होंगे इसको, जब भी कोई आप लोग वेबसाइट सर्च करते हैं या आपको कोई भी डेटा सर्च करना होता है, कोई भी लिंक सर्च करना होता है, आप स्टार्टिंग में प्रीफिक्स के तौर पे वहां पर www डाल देते हैं और उसको सर्च कर लेते हैं, जैसे www.google.com, ठीक है। अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं इसकी। एडवांटेजेस क्या होती हैं भाई, डाटा शेयर किया जाता है इसकी हेल्प से, हार्डवेयर भी शेयर किए जा सकते हैं भाई, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब कैसे भाई, जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, माउस है या फिर कीबोर्ड है, कुछ भी चीजें हैं वो शेयर की जा सकती हैं। दूसरा, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग भी होता है, इंटरनेट एक दूसरे का इंटरनेट भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को सुना है ना, वो पोर्टेबल हॉटस्पॉट होता है, वो इंटरनेट एक्सेस है भाई, वो WWW की हेल्प से ही होता है। और दूसरा, यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो नेटवर्क बेस्ड हो, उनका भी यहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे कोई मेल है, चैट एप्लीकेशन है, ऑडियो वीडियो कॉलिंग एंड मैनी अदर्स भाई, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके पास आता है गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, कि हम इंटरनेट का एक्सेस कैसे करेंगे। हम लोग जैसे, हमारे पास बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, BSNL है, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, ठीक है। तो इन सब सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से हम लोग नेटवर्क का, इंटरनेट का एक्सेस पा लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्वेश्चन आता आपके पास, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सर्विस कौन कौन प्रोवाइड करता है आपके देश के अंदर, यही मैंने पहले वाले टॉपिक में आपको समझाया। जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है, टाटा है, BSNL है, MTNL है, बहुत सारे ऐसी सर्विस प्रोवाइडर से कंपनियां हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विस यहां पर प्रोवाइड करती हैं। अब मॉडम क्या होता है भाई, मॉडम होता है बच्चे हमारे पास जो डेटा को कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो भी, जैसे मॉडम की वैसे फुल फॉर्म होती है बच्चे, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब जितने भी हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, वो सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर को समझने के लिए, हमें मिलते हैं एनालॉग सिग्नल्स भाई। अब कहता है मॉडम इज अ डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स इनटू फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल्स, पर हमें वायर में मिलते हैं एनालॉग सिग्नल्स, तो उन एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है जो फोन लाइन के थ्रू ट्रेवल होके आते हैं। और जब भी कोई फोन से वापस डेटा भेजते हैं तो वो डिजिटल को फिर एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स है, जैसे आप लोग देख लेना, डायल अप कनेक्शन होता है, वायर कनेक्शन होता है, DSL वो भी वायर्ड है, केबल इंटरनेट एक्सेस वो भी वायर्ड है, 3G वायरलेस है, WiMAX जो वाईफाई मैक्स होते हैं भाई वो भी वायरलेस है, और वाईफाई भी वायरलेस होते हैं, ठीक है। अब कहता है कि सम ऑफ द कॉमनली यूज इंटरनेट कनेक्टिविटी, अब आपको मैं बता चुका हूँ ये कुछ कॉमनली इंटरनेट थे जो हम लोग यूज करते हैं। DSL, जैसे आप सब डायल अप के बारे में तो जानते ही हैं, घर पे फोन लाइन के साथ जो ब्रॉडबैंड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो सब डायल अप कनेक्शंस होते हैं। DSL कौन से होते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर ओवर ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क। एक टेलीफोन नेटवर्क की हेल्प से आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर आपको टेलीफोन कनेक्शन भी मिले और साथ में इंटरनेट एक्सेस भी मिलता है वहां पर। केबल इंटरनेट एक्सेस कौन सा होता है, ये वो वाला जो ब्रॉडबैंड आपको मिलता है भाई, ठीक है, जो आप केबल की हेल्प से यूज करते हैं, ठीक है। 3G के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर आपको हाई स्पीड डेटा मिलता है जिसको हम लोग हाई स्पीड डाटा डाउनलिंक पैकेट एक्सेस भी कहते हैं, HSDPA, ठीक है। और आप 3G के बारे में बहुत अच्छे से पहले भी जानते हैं, ये एक थर्ड जनरेशन का नेटवर्क है जहाँ आपको हाई स्पीड डेटा भी मिलता है, ठीक है। और अब उससे भी स्पीड के 4G 5G भी आ चुके हैं भाई, ठीक है। 5G के ट्रायल अभी होने बाकी हैं, ट्रायल होते ही वो भी लॉन्च हो जाएगा, पर अभी 4G हमारे देश में बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। WiMAX जो आपके आसपास भी क्या करते हैं भाई, जैसे कंपनी के टावर होते हैं ना, जियो का टावर है, वोडाफोन का टावर है, ऐसे ही कंपनी छोटे टावर लगा देती है। किसी ने एक WiMAX की सर्विस ले ली अपनी गली मोहल्ले में, भाई मैंने टावर लगा लिया है, किसी को इंटरनेट चाहिए
तो मुझसे वो पेमेंट करे और मुझसे पासवर्ड आईडी पासवर्ड ले ले और इंटरनेट का इस्तेमाल कर ले, ठीक है। वो वाईमैक्स होते हैं। वाईफाई के बारे में आप बहुत पहले से अच्छे से जानते हैं, वाईफाई होता है क्या, कोई भी नेटवर्क हमारे पास है उसके वायरलेस कनेक्शन जिनको ट्रांसमिट किया जाता है भाई, ठीक है। अब आता है हमारे पास डाटा ट्रांसफर ऑन इंटरनेट। अब इंटरनेट की हेल्प से हम डाटा ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो कहता है उसको हम लोग करते हैं पहले पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है उसको, जो डेटा ट्रांसफर होगा उसको अलग अलग पैकेट्स में तोड़ा जाएगा, ब्रोकन किया जाएगा स्मॉल बिट्स में, जिसको हम लोग कहते हैं पैकेट्स। अब उन पैकेट को क्या किया जाएगा, पैकेट को हेडर फाइल के अंदर ऐड किया जाएगा। हेडर फाइल में ऐड करने के बाद क्या होगा, उसको डेस्टिनेशन बताई जाएगी कि वो उसको भेजना कहां पर है। डेस्टिनेशन के बाद उसको एग्जामिन किया जाएगा, फिर उसको दोबारा वो भेज दिया जाएगा, ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, और पहुंचने के बाद उसको रीअसेंबल कर लिया जाएगा और उसको यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चन दैट हेल्प्स यू इन योर डिसीजन आर, कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपके लिए इस्तेमाल में आते हैं। वट इज द पर्पज ऑफ गेटिंग दिस कनेक्शन, काम क्या इस कनेक्शन का लेने का। विल यू यूज द कनेक्शन रेगुलरली, क्या आप कनेक्शन का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच डेटा विल यू डाउनलोड ऑन एन एवरेज पर मंथ, आप एक महीने के हिसाब से कितना डेटा डाउनलोड करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप सब इनके आंसर यहाँ पर ढूंढ लेना और इन सबको अपने इस जो डायग्राम है यहाँ पर उसको प्लॉट कर लेना। आप 3G में क्या स्पीड लेते हैं, DSL का कौन सा प्लान है, केबल इंटरनेट एक्सेस का कौन सा प्लान है, नेम क्या है उसके, वाईमैक्स के क्या है, ठीक है। और कहता बच्चे आपके पास अगर अवेलेबल वायरलेस नेटवर्क आपको चूज करने हैं आपके सिस्टम के अंदर, तो आपको नीचे स्टेटस बार के ऊपर कुछ एक नेटवर्क का सिग्नल मिलेगा, उस पर राइट क्लिक करने के बाद आपको व्यू अवेलेबल वायरलेस नेटवर्क यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क जितने भी है वो शो कर दिए जाएंगे। जैसे इमेज में शो किया गया है यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क हैं, जिस पे हम लोग चाहेंगे उसको कनेक्ट कर लेंगे अगर वो बिना पासवर्ड के है। अगर पासवर्ड होगा तो पहले हमसे वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड फिल करने के बाद हम लोग उसमें इजिली एंटर कर सकेंगे और डेटा को एक्सेस कर सकेंगे भाई, ठीक है। तो ये था आपके पास सेशन भाई, और इस सेशन के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको भी आप लोग घर पे कवर कर लेना भाई। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये नीचे कुछ आंसर भी हैं, इनको कॉपी के अंदर अच्छे से लिख भी लेना और इनको याद भी कर लेना भाई, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।